क्या आप जानते हैं कि ओसीडी में होने वाले डाउट्स अक्सर वल्नरेबल सेल्फ थीम के कारण आते हैं? वल्नरेबल सेल्फ थीम या वीएसटी का मतलब ये है कि ओसीडी आपको एक ऐसी इमेजिनेशन देता है कि अगर आपने ये पर्टिकुलर एक्शंस नहीं लिए, जैसे बार बार हाथ धोना, प्रे करना, सॉरी बोलना, रीअश्योरेंस लेना या रीचेकिंग करना, ये सब चीज़ें अगर आपने नहीं करी तो आप एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट हो जाओगे जो आप बिल्कुल नापसंद करते हो और आप नहीं बनना चाहते हो। जैसे एक इररिस्पॉन्सिबल इंसान, एक इमोरल इंसान, एक रेसिस्ट इंसान या कोई भी बुरा इंसान जो सिनर हो, ऐसे थीम्स दिखाता है आपको और आप डर जाते हो क्योंकि आप वो इंसान नहीं हो, ना बनना चाहोगे ना सोचना चाहोगे। तो इसलिए आप वो एक्शंस लेते रहते हो ताकि आप उस इमेज से बच सको, उस वल्नरेबल सेल्फ थीम से बच सको, तो इस कारण डाउट चलते रहते हैं। हालांकि आपको ये जानना जरूरी है आज कि वो जो व्यक्तित्व आपको दिखाया जा रहा है ओसीडी के द्वारा, वो आप बिल्कुल नहीं है और ना ही आप वो कभी बनेंगे, क्योंकि आप एक्चुअली में, रियलिटी में उसके बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर वो कहता है आप एक सिनर हैं तो एक्चुअली में आप एक बहुत ही मॉरल इंसान हैं, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो ये याद रखिए, हमेशा ट्रस्ट करिए अपने लव्ड वंस के डिस्क्रिप्शन पे कि आप किस तरीके के इंसान हैं, अपने इनर कोर में झांकिए और बताइए खुद को।